दोस्तों, ये कहानी उन दो शूरवीरों की है जिनका नाम सुखा सिंह और महताब सिंह था, जिन्होंने मस्सा रंगड़ जैसे जालिम का सर काटकर हरमंदर साहिब दरबार साहिब की मर्यादा को फिर से स्थापित किया था। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस मस्सा रंगड़ की हम बात करने वाले हैं वो पंजाब की गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के विलेज मंडियाला का चौधरी था। उसका नाम था मस्सा रंगड़। वो एक मुस्लिम था। सभी रंगड़ मुसलमान राजपूत होते हैं और उनका नेम रंगड़ एक डेरोगेटरी टर्म है, यानी कि ऐसा नाम है जो कि उन हिंदूस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया है। अगर एक हिंदू चौहान राजपूत एक मुसलमान बन जाता तो वो चौहान राजपूत तो रहता ही, लेकिन उसके बाकी के हिंदू भाई उसे एक डेरोगेटरी टर्म दे देते जिसका जो कि रंगड़ थी, और इसके साथ ही कभी कभी एक चोटी कट टर्म भी दे जाती थी जो कि उसके लिए इस्तेमाल की जाती थी जिसने इस्लाम में कन्वर्ट होकर अपनी चोटी को काट दिया होता था। जब 1739 में नादिर शाह ने भारत के मुगल एम्परर मोहम्मद शाह को बैटल ऑफ करनाल में हरा दिया तो उसने दिल्ली को पूरी तरह लूटा और तकरीबन 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया और 10,000 हिंदू औरतों को उठाकर ले गया। इसके साथ ही उसने मुगल खजाने को भी लूटा जिसमें एक पीकॉक थ्रोन था, कोहिनूर डायमंड था और दरियाए नूर डायमंड्स थे। कहा जाता है कि नादिर शाह ने भारत में इतनी ज़्यादा लूटपाट की थी कि उसने ईरान में 3 साल तक लोगों से कोई भी टैक्स नहीं लिया था। बंदा बहादुर की शहीदी के बाद पंजाब रीजन मिसल्स में बट गया था। बंदा बहादुर की शहादत के बाद पंजाब ने सिखों ने मिसल्स बना ली थी। इनमें से एक लीडर ऐसे थे जिनका मैंशन करना ज़रूरी है, जो थे जस्सा सिंह आहलूवालिया। वो आहलूवालिया मिसल के मिसलदार थे, यानी कि लीडर थे। उस समय सिखों की 12 मेजर मिसल्स थी। जस्सा सिंह उस वक्त सिर्फ 21 साल के थे जब नादिर शाह ने भारत के ऊपर हमला किया था। जब मिसल लीडर्स को पता चला कि नादिर शाह ने 10,000 औरतों को अगवा कर लिया है तो उन्होंने एक मता पास किया कि इन औरतों को बचाना होगा। जस्सा सिंह और दूसरे सिख मिसल लीडर्स ने नादिर शाह की आर्मी पर हमला कर दिया और सभी औरतों को छुड़ाकर उन्हें अपनी फैमिलीज के पास सुरक्षित भेज दिया। उन्होंने बहुत सारे युद्धों में हिस्सा लिया और युद्ध नीति में महारत हासिल कर ली। उन्हें सभी मिसल्स का लीडर बना दिया गया। इससे पहले सभी मिसल्स के लीडर नवाब कपूर सिंह थे। नादिर शाह को सिखों के इस हमले के बाद बहुत गुस्सा आया और उसने जकरिया खान को सिखों को सजा देने का ऑर्डर दिया। जकरिया खान उस समय लाहौर का वाइसरॉय था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने उसे लाहौर का वाइसरॉय लगाया था, लेकिन नादिर शाह ने पंजाब को जीतकर उसे सियालकोट का गवर्नर बना दिया। जकरिया खान अपने पिता अब्दुस समाद खान के तरह ही एक बारबेरियन था और उसने हजारों सिखों को टॉर्चर किया और शहीद किया था। उसने मस्सा रंगड़ को ऑर्डर दिया कि वो श्री हरमंदर साहिब के ऊपर कब्जा करे और उसको तहस नहस कर दे। उसने सिखों के सिरों के ऊपर इनाम रख दिया। हर उस शख्स को इनाम दिया जाता जो कि सिखों का सिर काट कर लेकर आता और जहाँ उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता। उसने सिखों को लूटने को भी लॉफुल बना दिया, यानी कि अगर कोई सिखों को लूटता था तो उसको कोई सजा नहीं दी जाती थी। 1714 में मस्सा रंगड़ को ऑर्डर दिया गया कि वो हरिमंदर साहिब में जाए और किसी भी सिख को गुरुद्वारे के अंदर आने से रोके। मस्सा रंगड़ ने अंदर जाकर गुरुद्वारे की पवित्रता को भ्रष्ट किया और वहाँ पर हुक्का पीने लगा और शराब पीने लगा और तवाइफें जो कि सेक्स स्लेव्स थीं उनसे डांस करवाने लगा। उसके बारे में यह कहा जाता था कि उसने सिखों के सिरों की बैलगाड़ियां लाहौर भिजवाई थीं इनाम लेने के लिए। इन सभी चीज़ों के हो जाने के बाद सिखों को बहुत गुस्सा आया और दो सिखों ने जिनका नाम सुखा सिंह और महताब सिंह था, उन्होंने इसका बदला लेने का प्रण लिया। ये दोनों सिख बीकानेर से थे। उन्होंने सरकारी अधिकारियों का बेस बना लिया और गुरुद्वारे के अंदर दाखिल हो गए। गुरुद्वारे के अंदर आने से पहले उनको एक तरकीब सूझी और उन्होंने सरकारी अधिकारियों का रूप धार कर मिट्टी के घड़ों को तोड़कर उन्हें एक थैली में डाल लिया
और ऐसा रूप बना लिया कि ऐसे लगे कि वो गांव वालों से लगान इकट्ठा करके सिक्के लेकर मसारंगड़ के लिए आ रहे हैं। इसलिए उनको किसी ने भी नहीं रोका और ना ही उनको चेक करने की कोशिश की। जब वो दरबार साहब पहुंचे तो सिपाहियों ने उन्हें अंदर आने दिया और वो सीधा मसारंगड़ के पास पहुंचे, जो कि शराबी हो चुका था और हुक्का पी रहा था और नाच रही लड़कियों को देख रहा था। उन्होंने मसारंगड़ के सामने सिक्कों के थैले रख दिए और उन्होंने कहा कि वो उसके लिए लगान लेकर आए हैं। और जैसे ही वो बैग्स को चेक करने के लिए आगे हुआ तो मेहताब सिंह ने अपनी तलवार से उसका सर काट दिया और उसके सर को एक बोरी में रखकर वो दोनों वहां से निकल गए और अपने घोड़ों के ऊपर सवार होकर हरमंदिर साहब से बाहर निकल गए। मस्सा रंगड़ का सिर कटने के बाद किसी को भी ये समझ नहीं आई कि वो क्या करें। इस घटना के बाद मुगलों को बहुत सारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और इसके बाद सिखों का हौसला और भी बढ़ गया था। मस्सा रंगड़ के सिर को एक भाले के ऊपर लगाकर सुखा सिंह और मेहताब सिंह बीकानेर वापस लेकर आए और वहां पर उसे एक जंड के दरख्त या बनियान ट्री के ऊपर टांग दिया। आज उस जगह के ऊपर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना हुआ है जिसे कि बुढ़ा जोड़ कहा जाता है। इसके बाद भी भाई मेहताब सिंह सिखों के रक्षक बने रहे। आखिर में उन्हें पकड़ लिया गया, जहां तक कि उनकी सभी हड्डियों को टॉर्चर में तोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी उनका हौसला नहीं टूटा और वो अपने आखिरी वक्त तक वाहेगुरु वाहेगुरु कहते रहे और उन्होंने अपनी शहादत दे दी। तो दोस्तों, इस वीडियो से उन सभी को मैसेज मिल चाहिए जैसे लोगों ने ननकाना साहिब के ऊपर हाल ही में पाकिस्तान में हमला किया था। उन्हें अब ये पता चल जाना चाहिए कि सिख गुरुद्वारों के ऊपर हमला करने वालों का क्या हशर करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो।